जर्नल से रिलेटेड बड़ी मजेदार ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखेंगे। एन ओल्ड कार विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹2 लाख इज एक्सचेंज फॉर अ न्यू कार ऑफ ₹5 लाख। महंगे गाड़ी खरीदने, तो मैंने नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी की वैल्यू 5 लाख, तो मैंने कहा मेरे पास पुरानी कार पड़ी हुई है, मैं एक्सचेंज करना चाहूंगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एज पर आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब जरूर थोड़ी ना हमारी बुक में जो वैल्यू आ रही है जिससे आप सामान खरीद रहे हो, कार डीलर वो उसको 2 लाख का ही माने। फॉर एक्सचेंज पर्पस डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, ओल्ड मशीन और द कार, किसी भी चीज पे आ सकते हैं। ओल्ड कार वॉज वैल्यूड एट 1,50,000, तो एक एक केस करके बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपके इसको 1,50,000 दे देंगे। ऐसे ही होता है ना, क्या बोलते हो कि मेरी गाड़ी 2 लाख की है, होगी, बहुत खुशी की बात है, हम इसके 1,50,000 देंगे, चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो बाय बाय। ऐसी होती है डील्स, ठीक है। अब आपने खरीदी नई कार, तो ध्यान से देखना जर्नल एंट्री, जो भूल जाते हैं कोई एक्सचेंज था नहीं, बैलेंस अमाउंट वॉज सेटल्ड बाय चेक। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं सिर्फ कार खरीदता तो एंट्री क्या होती? मोटर कार अकाउंट डेबिटेड, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो नॉर्मल एंट्री होती। बट अब मैं उसको अपनी पुरानी कार दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना, एक एक करके बात करते हैं। केस 1, वैल्यू ऑफ द न्यू कार, जो नई कार थी उसकी वैल्यू है क्या? 5 लाख, यस और नो? तो क्या मुझे पूरे 5 लाख देने हैं? नहीं, लेस अमाउंट एडजस्टेड फॉर ओल्ड कार। तो उन्होंने बोला उसके कितने लगा लेंगे? 1,50,000, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3,50,000 अमाउंट टू बी पेड। तो ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो समझ आ ही रहा है कि आप 5 लाख की कार खरीदने गए, उन्होंने आपकी गाड़ी की वैल्यू 150 लगाई, तो 3,50,000 तो आपको देने पड़ेंगे। अब इसको जर्नल में कैसे दिखाएं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। क्योंकि ठीक है सर, 1,50,000 उन्होंने वैल्यू लगाई, लेकिन हमारा तो पूरा एसेट गया ना, तो हमारी बुक्स में से तो एसेट पूरा तब जाएगा जब हम पूरा 2 लाख क्रेडिट करेंगे। एसेट का बैलेंस आ रहा होगा 2 लाख, डेबिट बैलेंस होता है एसेट का। आपने अगर क्रेडिट कर भी दिया सिर्फ 150 से, तो उसमें तो बैलेंस पड़ा रह जाएगा अकाउंट में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिक्स्ड एसेट तो जब बेचते हैं तो क्रेडिट तो पूरी बुक वैल्यू से होता है, तभी वो आपके अकाउंट से पूरा खत्म होगा। दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखें। जब आपने कार खरीदी तो एंट्री क्या होगी? मोटर कार, तो जब न्यू खरीदी तो उसके ब्रैकेट्स में आ जाएगा। ये सिर्फ न्यू और ओल्ड तब लिखना है जब एक्सचेंज का क्वेश्चन है, अदरवाइज तो खरीद रहे हैं तो मोटर कार अकाउंट डेबिट होगा। आपने जो नई कार खरीदी वो कितने की है? 5 लाख, तो इसमें तो कोई डाउट कि नई कार की वैल्यू तो 5 लाख। टू, आपने जो मोटर कार दी कितने की थी वो? 2 लाख, आपके बुक से तो 2 लाख जाएंगे सर, लेकिन उसने तो उसकी वैल्यू 150 लगाई है, लेकिन आपके एसेट्स तो गए ना पूरे के पूरे। अब ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको पैसे कितने देने पड़े? ऊपर हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करी है 3,50,000, तो सर ये तो क्रेडिट ज्यादा हो गया डेबिट से, यस और नो? तो जो आपकी 2 लाख की कार थी, उन्होंने उसकी वैल्यू 50,000, 1,50,000 लगाई, तो उसके ऊपर आपका 50,000 का लॉस हुआ, यस और नो? तो वो कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? लॉस ऑन एक्सचेंज, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बेसिकली जितना भी लॉस हुआ ना, लॉस एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, लॉस एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड कार, ओल्ड मशीन विल बी डेबिटेड टू, विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस क्यों हुआ? बुक वैल्यू माइनस एक्सचेंज वैल्यू,
आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या थी? आपने बेसिकली अपना 2 लाख का एसेट कितने में दे दिया? 150 में। तो आपका तो 50,000 का लॉस हुआ ना? नहीं, फिर 1.5 लाख कम देने पड़े, मान तो 1.5 लाख का फायदा हुआ है। नहीं, आपने अपनी एक्सचेंज करी ना गाड़ी, तो वो 2 लाख की वैल्यू आपके बुक्स में आ रही थी, तो एसेट तो गया पूरा 2 लाख का, आपको उसके सिर्फ 1,50,000 का ही बेनिफिट मिला। पॉइंट, एसेट अगर बेचोगे या एक्सचेंज करोगे, जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है सर, एसेट अगर बेचोगे या एक्सचेंज करोगे तो अगर उस पर कोई लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। गुड्स जब हम बेचते हैं, 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे, तो हम सेल्स ही 12,000 पे दिखाते हैं, अलग से नहीं दिखाते प्रॉफिट और लॉस, वो तो बाद में कैलकुलेट होता है जब बुक्स क्लोज होती हैं। लेकिन अगर आप एसेट बेच रहे हो या एसेट एक्सचेंज कर रहे हो, उसका अगर लॉस हुआ है तो आपको उसी जर्नल एंट्री में दिखाना पड़ेगा। बात समझ आई? तो बेसिकली मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना? तो ये लॉस भी आपने क्या करना है, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखा दिए। टू मशीनरी अकाउंट, पुराना एसेट, ये बुक वैल्यू से, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि ये बुक वैल्यू से रिड्यूस होगा, पर आपको पैसे कितने देने पड़े? 350। अब यही अगर केस टू होता कि अगर वो वैल्यू लगाते 175, तो अब सिंपल है, 5 लाख था, 175 आपको देने पड़ते 3,25,000, तो अब आपका एसेट के एक्सचेंज पे सिर्फ 25,000 का लॉस होता। तो मशीन मोटर कार अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू मोटर कार। मोटर कार अभी भी 2 लाख से कम होगा, पुराना एसेट तो 2 लाख का ही है ना, तो वो क्रेडिट 2 लाख से होगा। टू बैंक अकाउंट आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? 325, 25,000 कम देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने 25,000 ज्यादा वैल्यू लगाई है। अगर वो 3 लाख लेते, अब मैं 3 लाख वाला केस करके दिखा देता हूँ कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी 2 लाख की गाड़ी वो 3 लाख लेने के लिए तैयार हो जाए, हम कौन से सचिन तेंदुलकर हैं। थियोरेटिकली मेन तो ये सीखना है ना कि अगर ज्यादा पे हुआ तो क्या होगा, कम पे हुआ तो 99% कम वाले ही केस आता है, बट ज्यादा वाला आ गया तो अब आपके वो 2 लाख की एसेट की वैल्यू 3 लाख लगा रहे हैं, बढ़ गए लोहे के वैल्यू बढ़ गई, कुछ भी हो गया, कार के रेट्स बढ़ गए, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर मे बी द रीजन, बट अब लगा रहे हैं वो, तो आपको तो 3 लाख लगा रहे हैं, तो 5 लाख के अगेंस्ट 3 लाख माइनस, सिर्फ 2 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी। एसेट जो गया वो तो सिर्फ 2 लाख का है, तो बुक्स में से तो सिर्फ 2 लाख का ही कम होगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्किंग तो समझ आ गई ना, ये वर्किंग करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है मुझे सर, प्लीज करके दिखा दो। चलो बेटा केस थ्री करके दिखा देता हूँ सीधा। 5 लाख माइनस ये एडजस्टेड अमाउंट कितना? 3 लाख, अमाउंट टू बी पेड 2 लाख। कोई डाउट? डरो मत, बिल्डिंग नहीं गिरेगी होपफुली। ध्यान से देखना, एंट्री पास कर देते हैं केस थ्री की। मोटर कार अकाउंट डेबिटेड, मोटर कार कौन सी? न्यू मोटर कार, कितने की है? 5 लाख। क्या कोई लॉस हुआ? नहीं, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। टू मोटर कार ओल्ड, मोटर कार गई ये हमेशा बुक वैल्यू से क्रेडिट होगा, कितनी गई? 2 लाख। आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ी? आपको पेमेंट करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। यस और नो? अभी करके दिखाया था। हाँ, अभी चल रहा है ना, खत्म नहीं हुआ अभी तक। कोई डाउट सर? ये तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे, 5 लाख की गाड़ी से 2 लाख में पेमेंट कैसे हो गई? क्योंकि बेटा उन्होंने 3 लाख की आपकी वैल्यू लगाई थी, तो एसेट के एक्सचेंज पे आपका हुआ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। कोई भी डाउट? समझ आई बात? इजी इजी तो नहीं बोल सकता, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ सकता है। किसी जमाने में ये बुक में भी हुआ करता था, स्कूल्स में आया हुआ है, आया दिमाग में करा दिया। क्या है केस? एक्सचेंज, अगर हम कोई नई मशीन खरीद रहे हैं, पुरानी एक्सचेंज कर रहे हैं, नई कार खरीद रहे हैं, पुरानी कार खरीद रहे हैं, बेसिकली एसेट, न्यू फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, पुराना फिक्स्ड एसेट एक्सचेंज करके, तो बेसिक एक्सचेंज में जो आपका लॉस हो रहा है वो आपको अलग से दिखाना पड़ता है, जो एसेट रिड्यूस होगा वो बुक वैल्यू पे होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।